दुख भोगते नहीं। दुख कैसा हम देखे हैं, कभी कभी रास्ते से गुजरते हैं तो देख लेते हैं। मुर्गा के कनिये टक गल्लो काटी छे, वो मारे नहीं दिस। वो मुर्गा जीते छटपट करे छे, काय भौं करे छे, ओकरो के सुने वाला छे। टीन में गरम पानी रखे छे, एकदम खत कैली। एक तो गल्लो काटल के ई दर्द अलगे छे, वही गरम पानी में डुबा दी। बताइए इससे बढ़कर के और दुख क्या होगा? विचार हम तो यहां तक कहते हैं कि मुर्गा की खाई छे, जे खाए छे वो सब न जाने। मुर्गा गंदा चीज खाए छे तो ओकरा आदमी खा जाए छे, जे आदमी वो मुर्गा के खेल के ओकरो की हाल होते? जरा विचार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु हरि भजन न भाव तरी। भाव मतलब ये दुख से उद्धार नहीं हो सकते। इसलिए जो समय चला गया चला गया, जो समय बचा है थोड़ा सा भी भजन कर लेंगे तो काल के गौर से बचेंगे। कबीर साहब कहते हैं, यहां के लिए तो संपत्ति बहुत जमा की है। हम लोग जब जाते हैं ना बड़े बड़े बाबू के यहां, घर जो बनाए हैं अरबों खरबों का, स्वर्ग भी फैल है उस घर के सामने में, और सब कोठली दिखाते हैं, चलिए बाबा हे उठो, चलिए बाबा इन्ने इन्ने देखिए इन्ने इन्ने। अच्छा बाबा घर छ बढ़िया, तो उनका कहल पड़ी जा घर तो यहीं भर के लिए छ, यहाँ जे जैबो तो वहाँ वो घर बनेने छो, खाली यहीं टा बनेने छो। ये तो देह का घर है, जब तक यहाँ रहिएगा बिजली पंखा सारा व्यवस्था है, लेकिन इस शरीर से जब आप निकल करके जाइएगा तो वहां के लिए घर बनाए हैं। दीक्षा लिए हैं, कल के ना बाबा भी तो मासे मछली खाए छो, मनोम छैके लेल भी दीक्षा। अब विचार कीजिए, यहां के लिए आप बहुत कुछ किए हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सो धन संचिए, जो आगे को हो शीश चढ़ाए गाठरी, जात न देखा कोई।